बड़ी मुश्किलें, चंपावत में बारिश से तापमान में गिरावट, तो भारी बारिश से ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त, तो पर्वतीय और मैदानी इलाकों में बारिश के आसार है। देहरादून, चंपावत, नैनीताल में रेड अलर्ट, कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो संवेदनशील इलाकों में लैंडस्लाइड के आसार, मौसम विभाग ने की सतर्क रहने की अपील। तो बारिश के दौरान नदी नालों से दूर रहे, मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की गई है। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। तो एक बार फिर देवभूमि में बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। संवेदनशील इलाकों में सतर्क रहने की लोगों को जो अपील है वो की जा रही। तो आफत के अलर्ट को लेकर लोगों को चेतावनी। तो चंपावत, पिथौरागढ़ में भी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र जो है बंद रखने के आदेश हैं एहतियातन। वहीं पर्वतीय जिलों और मैदानी इलाकों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम एक बार फिर से मुसीबत यहां पर साबित हो सकता है, जिसको लेकर यात्रियों से भी, जो चारधाम यात्री हैं उनसे भी कहा जा रहा है कि आप सुरक्षित जगहों पर ही रहें, अगर मौसम खराब है तो आप यात्रा पे ना निकले। तो चंपावत में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, हालांकि इस दौरान ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ध्वस्त होता नजर आ रहा है। तो पर्वतीय और मैदानी इलाकों में बारिश के आसार है, जिसको लेकर यह रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं चमोली में मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को भी इस दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुलिस अधीक्षक चमोली सर्विस पवार ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनाती की गई है। जिन जगहों पर लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्र है, उन जगहों पर मशीन और पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं, ताकि सुरक्षित आवाजाही यहां पर हो सके। पूरे संपूर्ण मार्ग में जो हमारे जनपद में है, उसमें हम लोगों ने जो स्लाइडिंग जोन है वो चिन्हित किए हुए हैं। तो ऐसे लगभग, वैसे तो काफी एरियाज हैं जो लैंडस्लाइड जोन है, बट जो मोटे मोटे जो हमारे हैं जो ज्यादा अति संवेदनशील है, वो 6-7 ऐसे पॉइंट्स हैं। उस पर प्रशासन की मदद से भी लगातार जो वहाँ JCB और इत्यादि मशीनें जो है वो रखी गई है, और अगर ऐसा कहीं भी मार्ग अवरुद्ध होता है तो तत्काल जो है वहां से जो भी मलबा है जो उसे हटा के जो है पूर्व में भी यात्रा को दोबारा से सुचालित किया गया, और आगे भी हमारी यही उसमें कार्य योजना है। हरिद्वार से बड़ी खबर है, कावड़ी के लिए